बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज दिन में जज शाइस्ता कुंडी साहिबा ने इमरान खान को 25 मई से मुतल्लिक जो लॉन्ग मार्च के दो केसेस थे उनके अंदर बरी किया, जिसका मतलब यह था कि इमरान खान का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। और मैंने आपको बताया था कि अगली खबर अब आएगी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जो साइफर केस है जिसके मुतालिक कहा गया था जी इमरान खान इधर से भी बरी हो जाए, इधर से बरी हो जाए, ये जो केस है ना ये मदर ऑफ ऑल केसेस है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसकी जमानत दी थी इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को, उस वक्त ही पता चल गया था कि मदर ऑफ ऑल केसेस की हैसियत क्या है। लेकिन इसके बीच में मैं आपको वो तो दूंगा ही दूंगा, मैंने आपको एक खबर और भी दी थी। मैंने आपको बताया था कि हसन और हुसैन नवाज जो नवाज शरीफ के साहबजादे हैं इनका केस लगा हुआ है, फैसला महफूज हो गया जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाना है। तो मैंने आपको कहा था क्या फैसला सुनाना है, सबको पता है कि शरीफ खानदान को बरी किया जाना है। तो ऐन तवक्को के मुताबिक नवाज शरीफ के दोनों बेटों हसन और हुसैन नवाज को तीनों रेफरेंसेस के अंदर एबनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप के अंदर बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया। मेरे ख्याल से सिर्फ बरी नहीं करना चाहिए बल्कि चाहिए तो यह कि उनसे कौम माफी भी मांगे और यह कहे कि जनाब हमसे बहुत गलती हो गई है, हमने शरीफ खानदान के खिलाफ यह सोच भी कैसे लिया कि उनके खिलाफ मुकदमात बन सकते हैं या उनको सजाएं हो सकती हैं। उसके बाद नवाज जरदारी खानदान है, उन्होंने पहले पार्कलैंड केस के अंदर आज फारूक नाइक ने बताया कि जनाब अब आप सदर जरदारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि उनको अब सदारती इस्तिस्ना हासिल हो गया है। इसी तरह की अगली खबर जरा सुन लीजिए, जाली अकाउंट्स जो का केस है आसिफ जरदारी के खिलाफ, उसमें भी अब बताया गया है कि मुकदमात के ऊपर मजीद कार्रवाई नहीं होगी, उसकी वजह भी वही है कि जनाब उनको सदारती इस्तिस्ना हासिल है। अब आते हैं उस केस की तरफ जो आज इंपॉर्टेंट साइफर वाला केस था। उस केस के अंदर दो जज साहिबान थे, एक जस्टिस आमिर फारूक साहब थे और उसके साथ जस्टिस गुल हसन औरंगजेब थे। आज जो बुनियादी सवाल था वो ये था कि देखिए ये इंक्वायरी शुरू किस तरह हुई है और ये इंक्वायरी शुरू किसने की है। तो इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने ये कहा कि सवाल पहला ये हमारा ये होता है कि जब 5 अक्टूबर 2022 को इस केस की साइफर की इंक्वायरी शुरू की गई तो इस हवाले से कोई दस्तावेज अदालती रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है कि आखिर यह इंक्वायरी शुरू किसने की है। तो जिसका मतलब यह है कि अगर कोई दस्तावेज रिकॉर्ड के ऊपर ना हो तो यह केस ही खत्म हो जाता है। उनका तफ्तीशी अफसर ने अपने बयान में लिखा कि 5 अक्टूबर को इंक्वायरी डीजी एफआईए ने की है, उनकी हिदायत के ऊपर शुरू की गई है, जबकि डीजी एफआईए इस केस में गवाह भी नहीं है। यानी जिसकी हिदायत के ऊपर आप यह इंक्वायरी शुरू कर रहे हैं डीजी एफआईए, वो इस केस में उसकी कोई हैसियत नहीं है, ना उसकी कोई गवाह की हैसियत है। और इंक्वायरी जो है वो इवन कंप्लेंट दायर होने से पहले हो गई और उसके बाद उनका सर तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही मुनहदिम हो जाएगा, क्योंकि कंप्लेंट आई जो उस सब के जिनकी मुदैयत में ये सारा कुछ हुआ, सेक्रेटरी दाखिला जो नसीम खोकर है, तो उनसे पहले यह किस तरह से हो सकता है। असल बात एक तो यह वाली उसके अंदर हो गया। अब एक सवाल यह हुआ, नंबर टू यह था कि अब उससे बात आगे चलेगी ना, कल वो पूछते रहे कि क्या है भाई वो हमें बताओ साइफर वाला, क्या उसको ट्विस्ट किया गया आज कि ये केस शुरू क्यों हुआ, शुरू किसने किया, उसके ऊपर उनका जी हमारे पास कोई अदालती दस्तावेज सामने नहीं आई, लेकिन जो साहब शुरू कर रहे हैं उनका इस केस से ताल्लुक नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, सुप्रीम इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए फेयर ट्रायल के लिए कानूनी तकाजों को पूरा किया जाना जरूरी है। अब सलमान सफदर साहब खुद मौजूद थे, एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जिनकी खिदमत ली गई हमद अली शाह, तो उन्होंने कहा कि देखिए यह भी देखना पड़ेगा कि साइफर केस में ऐसी क्या जल्दी थी कि जो रात 9 बजे तक ट्रायल होता रहा है। यह रात को इमरान खान के केसेस में अदालतें खुलने की बड़ी पुरानी तारीख है। अब उन्होंने कहा कि अब देखना यह है कि शाम के ट्रायल की क्या हैसियत होगी और इतनी बेचैनी क्या थी कि आप रात 9 बजे तक ट्रायल करते रहे। तो जस्टिस मियां गुल हसन ने फिर जस्टिस आमिर फारूक ने पहले ये पूछा, फिर गुल हसन औरंगजेब साहब ने पूछा कि ट्रायल की आखिर इतनी जल्दी क्या थी। तो उस पर वकील ने कहा कि शायद किसी डेडलाइन के ऊपर पहुंचना चाह रहे थे जज साहब या वकील या जो भी सारा हो रहा था।
तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कहूं कि ये इस्लामाबाद की तारीख का मुतनाजा तरीन ट्रायल था तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब इस हवाले से फिर अगली बात हुई, कोर्ट ने कहा कि देखिए जो एक्यूज्ड होता है वो हमेशा लॉ का फेवरेट चाइल्ड होता है, क्योंकि देखिए दुनिया में उसूल है कि जब तक इल्जाम साबित ना हो जाए मुलजिम को हमेशा आप मासूम तसव्वुर करते हैं, जिसके ऊपर नून लीग ने चीखें मारी थी जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इमरान खान के मुतालिक कहा था कि वो तो मासूम है। और ये कानून क्या है, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, ये एक मैक्सिम है जिसको हम लॉ में पढ़ चुके हैं कि जनाब जब तक कोई जुर्म साबित ना हो जाए, यानी मेरे ऊपर इल्जाम लगा है वो इल्जाम गलत भी तो हो सकता है ना, हाँ साबित हो जाए तो फिर अलग बात है। अब साबित भी अगर इस तरीके से हो जाए आपने साइफर किया वो भी उसके ऊपर सवाल आता है। अच्छा अब उन्होंने ये कहा कि अगर आप से हक्के दिफा या जीरा का हक छीन लिया जाए तो इसका मतलब यह होता है कि आपकी हक तलफी हुई है, और इसका मतलब फिर यह भी है कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ। तो अब अगली बात यह हुई, अदालत ने यह कहा कि जनाब वो जो दो वकील थे जो सरकारी स्टेट काउंसिल डिफेंस जिसको कहते हैं, ये सरकारी वकील अदालत ने तायुनात किए थे क्या, एडवोकेट जनरल ने नाम भेजे थे? तो सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील है उनका जी बिल्कुल, जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है उन्होंने ये नाम तायुनात किए थे। तो फिर अदालत ने कहा कि देखिए कि हमें फिर एडवोकेट जनरल को भी सुनना पड़ेगा कि इन सरकारी वकीला की स्टैंडिंग आखिर क्या थी कि उन्होंने इनको तायुनात किया। और उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी किया और फिर बताया गया, सिर्फ असल बात यह है कि इमरान खान के केस में नहीं बल्कि शाह महमूद कुरैशी के केस में भी इन्होंने ही इनको किया। उसके ऊपर आज अदालत ने कहा कि ये अपनी नौयत का बिल्कुल एक अलग केस है, ये ना तो आप ये कह सकते हैं कि कोई वाइट कॉलर क्राइम है, ना ही आप फौजदारी का इसको कह सकते हैं, ये बिल्कुल एक मखसूस किस्म का केस है। तो ये सारा कुछ होने के बाद आज जब उस पूरे के पूरे मलबे को इमरान खान के जो वकला हैं उन्होंने जब ये कहा कि इंक्वायरी शुरू करने के हवाले से सारी बात है, और फिर जब ट्रायल के हवाले से कहा तो जस्ट आमिर फारूक साहब ने कहा यह बात ठीक है कि रोजाना ट्रायल वाली कोई इतनी मसला नहीं है, कि कोई कदगन नहीं है कि रोजाना ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन उसकी भी कोई लॉजिकल ग्राउंड होनी चाहिए ना कि आप इस कदर जल्दबाजी में या ये सारा कुछ जो है वो क्यों कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब भी अब उन्होंने देना है, अब उस सवाल का जवाब क्या देते हैं ये हमें बाद में पता चलेगा, या फिर आपने जल्दबाजी इमरान खान के केसेस में ही करनी थी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि तोशाखाना का जो शामूद जो नवाज शरीफ का केस है, गिलानी का, जरदारी का, उसमें तो आप अभी तक रिपोर्टें मांगते फिर रहे हैं। अच्छा नंबर टू जो इंपॉर्टेंट मैटर है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आया। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फौजी अदालतों का केस आया था जिसमें जस्टिस जवाद एस खाजा जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं वो उसके अंदर एक फरीक हैं, उन्होंने दरख्वास्त दायर की। इजाजुल अहसन साहब ने बड़ा तारीखी किस्म का एक फैसला दिया था और वो क्या था, वो ये था कि उसके अंदर आप यूं कहिए कि उन अदालतों को उन्होंने कल अदम करार दिया था जो सिविलियंस का ट्रायल कर रही हैं। फिर जो रिटायर हो गए तारिक मसूद साहब, सरदार तारिक मसूद साहब, जिनके लिए गीत गाते हुए दिखाई दिए काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने इन अदालतों को बहाल कर दिया, कहा जी बिल्कुल ट्रायल वहां सिविलियंस का करना चाहिए लेकिन आप हतमी फैसला नहीं सुनाएंगे। आज एक बार फिर जस्टिस जवाद एस खाजा जो हैं उन्होंने 103 जो सिविलियंस हैं उनके ट्रायल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है और कहा है कि इन 103 सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, इनको बस जो सजाएं सुनाना है बाकी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा कि फौजी अदालतों से मुतालिक जो मुतफरिक दरखास्तें हैं उनको 25 मई से शुरू होने वाले अदालती हफ्ते के अंदर जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसको समाप्त के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि जो कैद में इस वक्त सिविलियंस हैं उनके बुनियादी हुकूक जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं और उसको जल्द अज जल्द न सिर्फ समाप्त के लिए मुकर्रर किया जाए बल्कि उनके मुताबिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पे 9 रुकनी बेंच जो है लार्जर बेंच वो तश्कील दिया जाए। अब यहां पे सिर्फ सवाल ये पैदा होता है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं बाकी मामलात के अंदर जिस तरह निमटाते हुए दिखाई दिए, जिस तरह नवाज शरीफ की नाअहली को खत्म करने के लिए इलेक्शन से पहले पहले उन्होंने बड़ी जल्दी के साथ उस केस को निपटाया था जिसके नतीजे में नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, नवाज शरीफ जो है वो पार्लियामेंट पहुंचे हैं और अब उसके मेंबर हैं, तो क्या सिविलियंस का जो केस है उसको भी उसी तरह से सुना जाएगा या फिर
उसको अभी लटकाया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। एक बात और बता देता हूं आपको, क्योंकि गिरफ्तारियों और बाकी चीजों की बातें चलती रहती हैं, तो अब एक तो चौधरी परवेज इलाही के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि वो जेल के वॉशरूम में गिरे हैं, उनकी हड्डी का फ्रैक्चर की खबर है। तो आज रावलपिंडी पुलिस ने मुराद सईद और परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए बताया गया जी वारंट गिरफ्तारी जो है वो हासिल कर लिए हैं। 9 मई से मुतलिक मुख्तलिफ थानों में जो दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमात हैं उनके अंदर बताया गया है कि मुख्तलिफ थानों में उनको वो मतलूब है। तो अब इसका मतलब यह है कि चौधरी परवेज इलाही की अगर किसी एक मामले के अंदर वो जमानत होती भी है तो दूसरे मामले के अंदर जमानत नहीं करने देंगे। उधर चौधरी परवेज इलाही का PP 32 का है, जहां पर एक जो आरओ है, इलेक्शन कमीशन अपने आरओ से अपने ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन नहीं करवा सकता। मैंने आपको बताया था कि कैसरा इलाही साहब ने कांटेक्ट किया था इलेक्शन कमीशन से कि हमें कागजात नहीं जमा करवाने दिए जा रहे, उसके ऊपर उन्होंने ऑर्डर किया। और उसके बाद अगली बात सुनिए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बावजूद परवेज इलाही के कागजात नामजदगी वसूल नहीं किए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आज कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त कल तक बढ़ा दिया है। यानी वो ये अपने हुक्म के ऊपर जब अमल दरामद नहीं कर रहे तो वो क्या कर रहे हैं, उसकी ड्यूरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और आईजी को भी इस हुक्मनामे से आगाह कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान ने यह फैसला दिया है कि जनाब आप ना सिर्फ उनके जो रुकावटें हैं वो दूर करें बल्कि उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो भी मंजूर किए जाएं। लेकिन अगर आप अंदाजा करें कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान एक आरओ से जो गवर्नमेंट का मातहत ऑफिसर है उससे अपनी बात नहीं मनवा पा रहे, तो आम इलेक्शंस के अंदर, आम इंतखाबात के दौरान क्या कुछ हुआ होगा, मेरे ख्याल से इसमें कोई बाकी चीज रह नहीं गई। अगली बात सुन लीजिए, सेनेट इलेक्शंस के हवाले से सनम जावेद फिर इतराज लग गया जनाब, उनसे तो पहले बड़ा खौफ आता है। तो बताया गया जी उनके जो उनका अकाउंट है बैंक का वो वालिद के साथ ज्वाइंट अकाउंट है, तो ज्वाइंट अकाउंट होने की वजह से वो अब उनके कागजात के ऊपर इतराज है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अकाउंट्स वाले मामले के ऊपर एक फैसला भी दे चुकी है। जुल्फी बुखारी में भी इतराज आया जनाब की उनकी दोहरी शरीयत, आप देखते हैं इतराज दूर होता है या कागजात मुस्तरद होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।